तो गाइज आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ जहां पर काम करने के तीन अलग अलग मोड हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इस तरह की वेबसाइट आई हुई है, तो मैंने सोचा है सबसे पहले इसके ऊपर वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग भी इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर काम कर पैसा कमा सकें। अब यहाँ पे देखिए, मैंने और भी इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आपने चैनल पे देखा होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करना भी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा खास इसलिए होने वाली है क्योंकि यहाँ पर तीन मोड हैं अलग अलग काम करने के। अब मैं अगर बात करूँ सबसे पहले मोड की, तो जो सबसे पहला मोड है वो है बजट मोड, यानी कि यहाँ पर जो आपको काम करना होता है उसका आपको $1 मिलता है एक मिनट का। देखिए यहां पर मैं जो भी आपको काम बताने वाला हूं वो पर मिनट के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। तो यहां पर जो ये बजट वाला सेक्शन है, यानी कि पहला जो स्टेप है, इसके अंदर आपको $1 मिलता है। और इसमें देखिए बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर टाइम की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आपका जब मन करे तब आप यहां पर काम कर सकते हैं। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने काम करके क्यों नहीं दिया, क्योंकि एज ए फ्रीलांसर यहां पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बजट सेक्शन अगर क्लाइंट ने चुना हुआ है तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ $1 मिलेगा एक मिनट का, और काम आप कभी भी कर सकते हैं, यानी कि आप क्लाइंट को काम करके कभी भी दे सकते हैं, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि आप अभी करके दीजिए। तो ये हो गया हमारा पहला, जिसे हम कहते हैं बजट का। सेकंड जो है वो है वीकली का। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको क्लाइंट की तरफ से काम मिला तो विद इन वीक के अंदर आपको वो काम करके देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे मैं 10 दिन बाद इस काम को करके दूंगा, तो नहीं होगा, आपको 7 दिन के अंदर अंदर वो काम कर सबमिट करना पड़ेगा वेबसाइट पर। अब इसमें क्योंकि आपको एक टाइम लिमिट मिल गई है कि आपको 1 वीक के अंदर करना होगा, तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे $1.50। अब $1.50 कितना होता है, $1.50 का मतलब हो गया लगभग आपका ₹120। जी हाँ गाइस, एक मिनट का ₹120 आपको वीकली वाला अगर आप चूज करते हैं तो आपको ₹120 मिलेंगे पर मिनट के। अब जो आता है तीसरा, जो सबसे मेन है, इसमें है विद इन अ डे, यानी कि आज आपको काम मिला है और विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको वो काम कर वेबसाइट पे सबमिट करना पड़ेगा। इसमें आपको $2.50 मिलते हैं हर मिनट के। अब $2.50 को अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूँ तो लगभग ₹200 यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एक मिनट के। तो एक मिनट में ₹200 अगर आपको मिल रहे हैं तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए नहीं होने वाली है। साथ ही साथ ये जो जॉब वेबसाइट है 100% जेन्युइन है। ट्रस्ट पायलट पे आप चेक करेंगे, इसके रिव्यूज आउटस्टैंडिंग है, 5 में से 4.5 इसको रेटिंग मिली हुई है, तो बिलीव आप इजिली कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इंडियंस यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी देखिए ये जो वेबसाइट है ये अभी US के अंदर अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं, इंडिया के अंदर अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है। कब क्लोज हो जाए देखिए मैं भी गारंटी नहीं ले सकता, हो सकता है आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कल आप इस वीडियो को देखें तब तक रजिस्ट्रेशन बंद हो जाए, तो आपको देरी नहीं करनी है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, इसलिए मैंने लाइव आपको करके दिखाया है, मुझे वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी इसलिए मैंने लाइव दिखाई ताकि आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। साथ ही साथ यहाँ पर आपका एक छोटा सा टेस्ट भी होता है, वो भी मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे उसको आपको सॉल्व करना है, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप कर सीधे आप रजिस्ट्रेशन करने चले जाएंगे तो क्लियर नहीं कर पाएंगे, फिर आप बाद में बोलेंगे कि सर हमने अप्लाई किया लेकिन हमें रिवर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पता लग जाए। अब इस जॉब की सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर एक तो अगर आप 12th पास हैं 10th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन की मस्ट नीड नहीं है, हायर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस काम आपको आना चाहिए। अब काम कैसे आएगा, जब आप काम करना शुरू करेंगे, तो काम आपको शुरू करना है उसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। अब आपके पास मौका है, आपको देरी नहीं करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर अप्लाई करना है, उससे पहले वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है सारी चीज़ों को ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। अब बिना देरी के मैं सीधे आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलूंगा, इस जॉब के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस देखिए आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अप्लाई हेयर लिखा होगा उसके आगे लिंक होगा, उस लिंक पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए
ये जो वेबसाइट है कास्टिंग वर्ड्स के नाम से है और यहाँ पे देखिए क्वालिटी रिजल्ट्स, क्वालिटी सपोर्ट है और विद 1,75,000 ट्रांसक्रिप्ट डिलीवर्ड टू 10,000 हैप्पी कस्टमर्स अवर ट्रांसक्रिप्ट है, 4.5 रेटिंग मिली हुई है इनको। अगर आप ट्रस्ट पैलेट पे चेक करें तो 4.5 रेटिंग है आउट ऑफ 5, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब इतनी अच्छी रेटिंग किसी वेबसाइट की है तो वो कितनी जेन्युइन है, लीजिट है, आप इजिली यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैं जैसे आपको बताया कि ट्रांसक्राइबर जो है यानी कि आप लोग जो है यहाँ पर जो काउंटिंग है वो लगभग 2.25 लाख है और 10,000 से ज्यादा कस्टमर है, तो इतने लोगों को सर्विस दे रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी सर्विस कस्टमर्स को दी जाती है। अब मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 3 इजी स्टेप्स में बात करें तो कि यहाँ पे जो पेमेंट होती है वो कैसे होती है। यहाँ पे देखिए अलग अलग मोड है, पहले हम सिर्फ 3 मोड्स की बात करें क्योंकि इंटरनेशनल से हमें अभी वर्क नहीं करना है, हमें एज ए इंडियन में काम करना है, तो हम यहाँ पे 3 मोड्स में काम कर सकते हैं। सबसे पहला होता है बजट का, जिसका कि रेट होता है $1 पर मिनट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये बजट है और इसका $1 पर मिनट है। उसके बाद जो दूसरा आता है ये होता है 1 वीक का, जिसमें कि $1.50 पर मिनट होता है, और एक होता है 1 डे का जिसमें कि आपका $2.50 पर मिनट होता है। अब ये बजट क्या है, देखिए बजट के अंदर आप जब काम करते हैं तो वहां पर कोई टाइमिंग नहीं होती है, मतलब कि कोई वहां पर आपका फाउंडेशन नहीं होगी, आपको जो काम दिया जाएगा आप उसे कितने भी टाइम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरा जो होता है वो होता है वीक का, यानी कि आपको जो काम मिलेगा वो विद इन वीक आपको करके देना पड़ेगा, तो उसमें जो आपका रेट होगा वो 50.50 ज्यादा होगा बजट से। और जो तीसरा होता है ये फास्ट सेम डिलीवरी कहते हैं, ये होता है 1 डे का, यानी कि जो आपको काम मिला है अगर वो आपने सेम डे करके दे दिया यानी कि एक दिन 24 घंटे के अंदर आपने करके दे दिया, तो यहाँ पर ₹2.50 यानी कि $2.50 पर मिनट आपको मिल जाता है। तो इस तरह से 3 अलग अलग यहाँ पर आपको मोड मिलते हैं काम करने के, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस मोड में काम करना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस वेबसाइट के, तो काम करने का तरीका देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंस है, कैसे 3 इजी स्टेप्स हैं। सबसे पहला क्या है कि आपको साइन अप करना है, सबसे पहले आप रजिस्टर करके साइन अप करेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा है वर्क, यानी कि दूसरे में क्या है, यहाँ पे देखिए आपने साइन अप करा, दूसरे में यहाँ पे आपने काम करना शुरू कर दिया, जो आपको काम मिल रहा है आपने उस काम को पूरा कर दिया। तीसरे पे गेट पेड, यानी कि तीसरे पे आपको सीधा पैसा मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने एक चीज बिल्कुल लिखी हुई है, फ्रीलांसर्स एज ए फ्रीलांसर यहाँ पे आप काम करते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसक्राइब एडिट एंड कंप्लीट अदर शॉर्ट जॉब्स ऑनलाइन। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ट्रांसक्राइबर का काम मिलता है, एडिट का मिलता है, कंप्लीट अदर छोटे छोटे जॉब्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं जो आप अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत कम समय लगता है अगर मैं बात करूँ, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर देखिए नो फीस, कोई भी चार्जेस आपको कोई फीस नहीं देनी है। क्लियरली उन्होंने मेंशन करा है कि वी पे यू, ये वेबसाइट आपको पे करेगी, आपको इस वेबसाइट को कुछ भी पे नहीं करना, तो क्लियरली मेंशन है यहाँ पर। अब उसके नीचे देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, कास्टिंग वर्ड्स ओनली हायर्स फ्रीलांसर हियर एट द कास्टिंग वर्ड वर्कशॉप पे एंड अपवर्क पे, सिर्फ दो ही जगह से यहाँ पर काम मिलता है, एक कास्टिंग वर्ड से एक अपवर्क से, ऑल अदर ऑफर्स आर फ्रॉड, यानी कि किसी और जगह से अगर काम आ रहा है तो वो फ्रॉड होता है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रजिस्टर और लॉग इन नाउ का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे देखिए आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देखिए वांट टू फ्रीलांसर फॉर अस अप्लाई करें, यानी कि अगर आप उनके लिए ऐसे फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या है, आपको अपना नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, एक पासवर्ड डालना है, पासवर्ड दोबारा से डालना है, और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूएस रेजिडेंस, प्लीज नोट दैट वी आर अनेबल टू क्रिएट न्यू अकाउंट्स इन CA DC हाई इतना इतना, यानी कि यहाँ पर अभी जो यूएस में जो रहते हैं उनके लिए यहाँ पर अकाउंट्स ओपन नहीं है, तो ये यूएस वालों के लिए इसको आप छोड़ दीजिएगा फिलहाल। एक बार ये सारे फॉर्म को फिल कर मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे देखिए वो पहला वाला स्टेप जो है क्लियर, हमने ओके कर दिया था फॉर्म फिल कर, तो अभी दूसरा स्टेप आया है। देखिए टोटल इसमें 4 स्टेप्स हैं, तो अभी हम सेकंड स्टेप पे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको आपका पेपल अकाउंट देना होगा, जो कि इट्स एन ईमेल एड्रेस, ये एक ईमेल एड्रेस होता है जो आपका पेपल अकाउंट होता है, क्योंकि जो भी आपको पेमेंट मिलेगी वो सीधे आपके पेपल अकाउंट में मिलेगी, तो यहाँ पे आपको अपना पेपल अकाउंट डालना है। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, एड्रेस 1 एड्रेस 2 सिटी डालनी है, यहाँ पे स्टेट डालना है, जिप डालना है,
कंट्री डालनी है कौन सी कंट्रीज हैं और दोनों पे टिक कर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो ये आपको बहुत ध्यान से करना है, आपको यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है। और यहाँ पे आपको अपडेट यूर अवतार एस रफ्तार.com पे क्लिक करके यहाँ से अवतार अपडेट कर लेना है अगर आप चाहते हैं तो। अभी फिलहाल यहाँ पे फॉर्म पूरा फिल करके मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने ये पूरा फॉर्म फिल कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने की, यहाँ पे स्टेट प्रोविंस लिखा हुआ है, ये सिर्फ यूके यूएस वालों के लिए, तो उसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद जिप कोड डाल के यहाँ पे अपनी कंट्री ऑलरेडी आ जाएगी आपकी, तो आपको दोनों पे टिक कर इसको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये राउंड राउंड होता है और ये देखिए यहाँ पर जिप इज इनवैलिड दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पे जिप कोड दोबारा से डालना पड़ेगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो मैंने गलती की थी लाइव, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको गलती नहीं करनी है। आपको यहाँ पे स्टेट भी ब्लैंक छोड़ना है और ये जिप जो है इसके में भी लिखा हुआ है यूएस एंड कनाडा ओनली, तो इसको भी आपको ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद वेट करना है, अगर यहाँ पे कुछ और हमारा गलत होगा तो वो हमें लाइव ही दिख जाएगा, इसलिए मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो है ये तीसरा स्टेप आ चुका है। अब ये पूछा है अबाउट यूर सेल्फ, प्लीज टेल अस अ लिटिल अबाउट यूर सेल्फ, दिस विल बी विजिबल टू बोथ कस्टमर एंड अदर फ्रीलांसर, वी विल ऑल्सो रीड दिस इज अ पार्ट ऑफ फिलिंग योर एप्लीकेशन। यानी कि यहाँ पर जब आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी तो ये उसमें आपको चेक किया जाएगा। रिक्वायर्ड है 500 कैरेक्टर्स मैक्सिमम है, तो आपको अपने बारे में लिखना है। अब यहाँ पे आप अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आई एम मन्नू बिस्ट एंड आई लिव इन दिल्ली एंड आई हैव 5 years experience in data entry and BPO. I am very honest and truthful. बस ये देखिए इस तरह से आप भी लिख दीजिए, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे चेक कीजिएगा, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं, हमारा ये थर्ड वाला स्टेप था, ये फोर्थ स्टेप आ गया है। अब ये है ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द फाइनल स्टेप इज आवर एप्लीकेशन प्रोसेस इज अ शॉर्ट ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट, द ऑडियो क्लिप्स रेंज फ्रॉम 19 सेकंड्स टू अ बिट ओवर 6 मिनट्स, अलाउ योरसेल्फ एटलीस्ट हाफ एन आवर टू टेक द टेस्ट। यानी कि यहाँ पर कम से कम आधा घंटा लगेगा आपको, तो आधा घंटा आपको फ्री रहना ताकि इस टेस्ट को आप दे सके। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी लैंग्वेज ऑलरेडी इंग्लिश यहाँ पर आपको मिलेगी। स्टार्ट ट्रांसक्राइब टेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये मैं देखिए अभी आपको करके नहीं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ किस तरह का एक टेस्ट आता है जो कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे स्टार्ट ट्रांसक्राइब टेस्ट पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन है, यहाँ पे काउंट डाउन है, शुरू हो चुका है, शोविंग 1 or 2 एंट्रीज है, पे यहाँ पर आ गया है कितना है। अब यहाँ पे देखिए नीचे हम आएंगे, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑटो ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ये टाइटल है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए अब ये आ गया है ट्रांसक्रिप्शन नैनो वॉइस मेल टीसी आ गया है, इंस्ट्रक्शन आ गई है, ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स है, व्यू एंड सबमिट है, ऑडियो 1 मिनट की ऑडियो है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अबाउट दिस जॉब टाइटल है नैनो वॉइस मेल, आईडी टीसी है, 1 मिनट का है, गेट ऑडियो नॉन डेरिवेशन है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, उस पर क्लिक कर आपको ही सुनना है। Hello, please leave a message after the tone. Phoebe, this is Kat. Just calling to let you know I got your email and we do want to get together on Thursday to go over the plans for NaNoWriMo this year. Time is getting short, but I definitely want to be involved. I'm imagining something with an Annie Proulx vibe, maybe set in Reykjavik. I want it to be more like accordion crimes than shipping news with 5 or 6 stories strung together, but I'm open to other suggestions too. Give me a call back at the 315 number and we'll discuss it further. अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नोट्स फ्रॉम कस्टमर एंड और कास्टिंग वर्ड्स, यहाँ पे आपको दोनों के बीच में जो भी चीजें थी नोट्स करने थे। डू अ सर्च टू वेरीफाई पीपल को वेरीफाई करना है, प्लेस कौन सा था और अदर देन नेम्स वहाँ पे क्या है, स्पेल चेक्स में क्या है, वर्ड इज ओके है, बिल्कुल है, गूगल वर्ड है या सो कंटेंट्स द वर्ड है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, स्टेटस क्या है, रिफ्रेश स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे, स्पीकर्स लेबल्स है, यहाँ पे ऐड नेम करेंगे कौन कौन से स्पीकर्स के नाम यहाँ पे आपको ऐड करना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे फाइंड एंड रिप्लेस, ओरिजिनल और रिप्लेस, अगर आप कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं।
उसके बाद मेन जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको टाइप करना है जो वहां पर उन्होंने अभी बोला है। तो सिंपल सा है, देखिए आपके पास ऑडियो है, थोड़ा सा सुनिए, स्टार्ट कीजिए। हेलो, अब यहाँ पे इसको पॉज कर दीजिए, नीचे आ जाइए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए हेलो। उसके बाद बैक नीचे आ जाएंगे, आप वापस ऊपर जाएंगे, अब इसने कहा लीव द मैसेज आफ्टर द बीप, जैसे कुछ कहा है उसको आप ध्यान से दोबारा सुन लीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप लीव द मैसेज आफ्टर द बीप, आफ्टर द साउंड जो भी था वहां एक बार आप सुन लीजिएगा। तो इस तरह से आपको सिंपली वो पॉज पॉज करके लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, लिखने के बाद यू कैन सबमिट दिस फ्रॉम द व्यू एंड सबमिट टैब बट रिफ्रेश द स्टेटस एंड चेक योर वर्क फर्स्ट। यहाँ पर आप एक बार रिफ्रेश करके अपने वर्क को चेक कर लेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर रिफ्रेश का एक टैब आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए रिफ्रेश स्टेटस का टैब है, तो इस पर आपको क्लिक करके एक बार अपने काम को चेक कर लेना है। उसके बाद सिंपली फिर यहाँ पर व्यू एंड सबमिट पर क्लिक करके इसको आपको सबमिट कर देना है, दैट्स इट, इतना सा काम है। तो इस तरह से यार यहाँ पे आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद यहाँ पे आपको फीडबैक आपके मेल्स पे ही मिल जाएगा। अगर आपका टेस्ट ही क्लियर हो जाता है तो यहाँ पर फिर आपको काम मिलना शुरू जाएगा। गाइस देखिए बहुत इजी है, जैसे मैंने बताया सिर्फ एक मिनट की भी ऑडियो नहीं है और आपको पॉज करने का ऑप्शन है और टाइम भी ज्यादा है, तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर क्लिक कर आपको इस टेस्ट को पास कर लेना है। अगर आपको टेस्ट पास करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जैसे यहाँ पे आप काम करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे जो आपका ट्रांसक्राइब कर आपको काम मिलता है वो मिनट्स में मिलता है। जैसे कि कोई एक मिनट की क्लिप होगी, कोई दो मिनट की क्लिप्स होगी, तो उसमें वहां से आपको पर मिनट डॉलर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे बजट वाले ऑप्शन को चूज करके काम करते हैं तो यहाँ पे आपको $1 मिलता है, उसमें कोई टाइमिंग नहीं होती, आप जब का जब मन करे तब आप उस काम को करके सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उसको सबमिट कर देंगे आपका $1 आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जिसे आप अपने पेपाल के थ्रू सीधे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन इसका है। तो अभी से अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके जॉब के लिए अप्लाई करना है। कहीं कोई टेंशन लगे, कोई डाउट लगे तो या कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। थैंक यू गाइज। तो गाइज देखा आपने कैसे मैंने यहाँ पर कोशिश करी कि आपको सारी चीजें डिटेल से बता सकूँ। सेम ऐसे ही आपको करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही भरना है, टेस्ट भी आपको देना है। अगर टेस्ट देखिए क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा नहीं दे सकता था क्योंकि ये कॉपीराइट का इशू हो जाता है, तो आपको टेस्ट वो पूरा क्लियर कर लेना है। अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, सिंपल सा सुनना है, पॉज करके बार बार सुनिए, फिर लिखिए, फिर सुनिए थोड़ा सा, फिर लिखिए। डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। यही काम आपको आगे भी करना होगा जब आप इस वेबसाइट पर काम करेंगे। तो काम को समझिए, नर्वस नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, और ये नहीं सोचना है कि यार मैंने किया मुझसे हो नहीं रहा। सब काम हो जाते हैं, बस आपके अंदर आपको विल पावर रखनी पड़ेगी, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो अगर आपको यार इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी ज्वेलरी वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।